पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद से प्रदेश में अब तक कुल 30 स्थानों पर मारपीट और फायरिंग की घटनाएं हुई है। इसमें मतगणना के दौरान या मतगणना के बाद 25 घटनाएं हुई। इसके अलावा 5 अन्य घटनाएं विजय जुलूस से निकालने के दौरान हुई, जिसमें 2 की जान भी गई। जी हां, इसी के साथ आपको बताते चले कि पुलिस मुख्यालय से अब तक की मिली जानकारी के अनुसार मुरादाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, खीरी, अयोध्या, बागपत, सहारनपुर और मिर्ज़ापुर में घटनाएं हुई है। जी हां, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक 2 मुकदमे हत्या के और 7 मुकदमे हत्या के प्रयास के, 5 मामले पुलिस के साथ भिड़ंत और 11 बलवे और 5 अन्य मारपीट की घटनाओं के संबंध में दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं में 35 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश के क्रम में किसी भी तरह के विजय जुलूस और भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई थी। ऐसे में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के इन मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, ये काफ़ी भयावह माहौल है, जहां पर पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही प्रदेश भर में अब तक कुल 30 स्थानों पर मारपीट और फायरिंग की घटनाएं हुई है। इसमें आपको बता दें कि मतगणना के दौरान या फिर मतगणना के बाद 25 घटनाएं हुई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।